हेलो गाइस, मैं मुजीद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, हमारे द्वारा यूपी बोर्ड के लिए एक बहुत ही अच्छी सीरीज आप सभी के साथ साझा की जा रही है। और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट के एक न्यू टॉपिक पर। साथियों, अब तक हमने आपके लिए दो न्यूमेरिकल शेयर किए हैं, जिसमें हमने एक तो इजी लेवल का न्यूमेरिकल आपके साथ शेयर किया, जिसमें हमने पिछली सभी जितनी भी वीडियोस थी उन सभी को उसमें इम्प्लीमेंट होते हुए देखा। दूसरी वीडियो हमने मॉडरेट लेवल की बनाई, जिसमें सारे रूल्स और रेगुलेशन जो जो कॉन्सेप्ट अब तक पार्टनरशिप में हमने सीखे थे वो वहां पर हमने फिट कर दिए। तो आगे अब हम बढ़ रहे हैं, और आगे हमने क्या सीखना है, आगे हमने सीखना है कुछ आगे हटके। आगे चलते हैं तो आगे हम जानने वाले हैं कुछ नई चीज। और आज का हमारा टॉपिक क्या होएगा, आज का हमारा टॉपिक है कि साझेदार को लाभ के हिस्से की गारंटी। तो साथियों, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, और इस टॉपिक को भी हम आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में जो है इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे। तो साथियों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं और आप चाहते हैं कि अपनी अच्छी तैयारी आप करें, और एग्जाम में क्या अच्छा हो सकता है, किस तरह से हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, किस तरह की हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, किस तरह से हम अपना बेस्ट कर सकते हैं, तो उस सब के लिए आप हमारे चैनल से एक बार जुड़े। मुझे उम्मीद है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप पहली वीडियो से ही जब हमारे साथ कनेक्ट होंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में हमारे द्वारा जो है एक अच्छे चैनल का जो है चुनाव किया गया है। साथियों, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि हम बिल्कुल भी रटाते नहीं है, हम आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हैं। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज के इस टॉपिक में आप सभी बोर्ड पर देख रहे हैं कि साझेदार को लाभ के हिस्से की गारंटी प्रदान करना, ये हमारा टॉपिक होगा। तो बेसिकली ये थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसको मैं आपके साथ समझ जाने की कोशिश करूंगा। होता क्या है, जब कोई भी व्यवसाय एक अच्छे स्तर पर पहुंच जाता है और ऐसा लगने लगता है कि अब जो है हम एक अच्छे मुकाम पर आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो कुछ पुराने पार्टनर्स होते हैं या उनमें से कोई ऐसा पार्टनर जिसको ऐसा लगने लगता है कि ये पार्टनरशिप मेरी वजह से चल रही है, ये फर्म मेरी वजह से चल रही है, ये फर्म में जो प्रॉफिट आप अर्न होते हुए देख रहे हैं उसमें मेरा कहीं ना कहीं रोल है। बाकी में होता है ऐसा है कि एक या एक से अधिक पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जिनका बहुत ज्यादा अच्छा रोल होता है किसी भी फर्म को चलाने में। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, नए पार्टनर हो या पुराने पार्टनर हो, उस कंडीशन में क्या करते हैं, वो किसी एक पार्टनर को या फिर एक से ज्यादा पार्टनर को क्या कर देंगे, लाभ की गारंटी दे देंगे। अब ये लाभ की गारंटी देना क्या होगा साथियों, लाभ की गारंटी देने से मतलब ये होता है कि अगर फर्म को किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि उसको जो है लाभ कम होता है, ठीक, और लाभ जो है उसे प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो दूसरे पार्टनर होंगे उस पार्टनर को अपने प्रॉफिट का जो हिस्सा होगा उसमें से अपना प्रॉफिट देंगे। सपोज कीजिए, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है बी और एक पार्टनर है सी, ठीक है। साथियों, हमने एक पार्टनर यानी ए पार्टनर को 10,000 रुपए का लाभ देने की गारंटी दे दी, ठीक है। साथियों, अभी क्या हुआ है, फर्म को जो है केवल और केवल इनका 3:2:1 का अनुपात है, प्रॉफिट शेयरिंग का 3:2:1 का अनुपात है, ठीक है। साथियों, थोड़ा कम कर लेते हैं, 3:2:1 की जगह हम कर लेते हैं 3:2 ये कर लेते हैं, चलिए 3:2:5 का अनुपात है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में क्या है, हमने इसे 10,000 रुपए की गारंटी देनी है, गारंटी इसको 10,000 रुपए देने की हो गई, और प्रॉफिट मान के चलिए कितना हुआ जी आपको, प्रॉफिट हुआ है 20,000 रुपए का। तो 20,000 में केवल और केवल 6,000 रुपए इसके हिस्से में आ रहे हैं, ठीक है भाई, जबकि इसको गारंटी दी गई है कितने की, 10,000 रुपए की। बात समझने की कोशिश कीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम इसी वीडियो में समझा रहे हैं, हमें 10,000 रुपए की गारंटी इसको दे रखी है लेकिन इसमें प्रॉफिट हो रहा है केवल 6,000 का। अब हम दूसरे वाले का हिस्सा देखते हैं, तो 20,000 × 2/10 4,000 रुपए तो बी वाले को मिल जाएंगे, 4,000 का प्रॉफिट इसको मिलना है, और बाकी बचा क्या, 20,000 × 5/10 10,000 रुपये हम किसको दे रहे हैं, सी को, ये प्रॉफिट का हिस्सा हो गया। ए को केवल कितने मिल पा रहे हैं, 6,000 रुपये, ठीक है भाई। तो अभी क्या होगा, जब 10,000 की हमने इसे गारंटी दे रखी है
तो इसके 4,000 रुपए की भरपाई बी और सी दोनों मिलके करेंगे, ठीक है, समझ गए? तो ये गारंटी हो जाती है। अब ये किस कंडीशन से करेंगे कि भाई बी और सी दोनों बराबर दें या किसी अनुपात में दें, ये क्वेश्चन में मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन लाभ की गारंटी देना आपको टॉपिक में समझा रहा हूँ, इसको समझ में आने की आपका जो है पूरी पूरी चांस है, क्योंकि हमने अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है यहाँ पर। तो गारंटी से कम राशि, जब लाभ जो हुआ है वो गारंटी से कम हुआ है, तब उस कंडीशन में क्या हुआ, जो बचे हुए पार्टनर है वो अपने हिस्से का प्रॉफिट उसको देंगे, ठीक। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी, अगर लाभ की कंडीशन ज्यादा बनती है कि इतना प्रॉफिट हुआ है कि जितना उसे गारंटी दी गई है उससे भी ज्यादा हुआ है, तब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो जितना जिसके हिस्से में आ रहा है उतना उसे दे दिया जाएगा। साथ ही साथ ऐसा भी है कि ये जो आज इस वर्ष जो है इसके प्रॉफिट में गारंटी होने के कारण जो इन्हें अपना हिस्सा देना पड़ रहा है, तो ये ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि जब भविष्य में ज्यादा प्रॉफिट होगा तो आपको जो हमने अपना गारंटी के तौर पर आपको जो हमने गारंटी दे रखी थी जिस कारण से हमने अपना हिस्सा देना पड़ रहा है आपको, तो जब भविष्य में फर्म को अच्छा प्रॉफिट होगा तो हम अपना हिस्से का जो प्रॉफिट होगा ये वाला तब हम ले लेंगे। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। छोटी सी वीडियो थी, अच्छे से समझ में आया होगा। थ्योरिटिकल अगर आपको समझना है तो इसका मैं एक जो है बुकिस लैंग्वेज की जो है कटिंग इसमें डाल दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहे कॉमर्स की दुनिया। थैंक यू सो मच।